इन दोनों शादियों से पहले प्री वेडिंग का ऐसा जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है कि होने वाले दुल्हा दुल्हन की जान जोखिम में डालकर प्री वेडिंग शूट किए जा रहे हैं। ऐसे एक मामला ग्वालियर से सामने आया है जहां दुल्हा दुल्हन अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर प्री वेडिंग शूट करवा रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक DSP ने उन्हें देख लिया। इसके बाद ट्रैफिक DSP नरेश कुमार ने अपनी गाड़ी को रोककर उनके पास पहुंचकर जमकर फटकार लगाई। बता दें कि दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक युवक युवती और उनके साथ प्री वेडिंग शूट करने वाले कैमरामैन अपनी जान जोखिम में डालकर फोटो और वीडियो शूट कर रहे थे। रेल की पटरी पर लेट कर जब ये शूट चल रहा था, इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी DSP नरेश कुमार वहाँ से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के साथ कई लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उनके पास पहुँच गए। उन्होंने करीब से देखा तो पता चला कि एक युवक और युवती अपनी होने वाले शादी के लिए प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं। इसके बाद ट्रैफिक DSP ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और वहाँ से उन्हें भगा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ हर 5 मिनट पर सुपरफास्ट ट्रेन निकलती है, ऐसे में थोड़ी सी गलती आपकी जान ले सकती है। जो लड़के और लड़कियां रेल की पटरी पर लेट के फ़ोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपनी गाड़ी रोक के तत्काल उतर के और मैंने खुद ही मोबाइल अपना चालू करके उनका वीडियो बनाना शुरू किया और उनको डांटा कि भाई ये डेंजर जोन है, यहाँ लेट के आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, कोई भी दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, जरा सी भी चूक हो जाए तो अभी चिथड़े उड़ जाएंगे आप लोगों के। तो बच्चे फिर नीचे आए, उनको समझा के मैंने फिर रवाना किया कि आइंदा ऐसा ना करें। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ ऐसे बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी कि इस टाइप के स्टंट करने से बच्चों को रोकें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं।